हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एंसेंट डबल बिशप सेक्रीफाइस दिखाऊंगा। ये गेम जो है 1973 में खेली गई थी, जहां पर वाइट साइड से खेल रहे हैं गेन्नारी कुज़मिन, जबकि ब्लैक से खेल रहे हैं एवगेनी सेवशिनिकोव। सो यहाँ पर वाइट ने गेम की शुरुआत की e4 से, नाउ c5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट f3, e6, d4, सी कैप्चर्स ऑन d4, नाइट कैप्चर्स ऑन d4 एंड नाउ नाइट टू c6। सो सिसिलियन डिफेंस का पोल्सन वेरिएशन, नाइट c3, क्वीन c7, बिशप e2, h6, सो फ्यूचर नाइट b5 को स्टॉप करता है, कैसल, नाइट f6 एंड नाउ बिशप e3। सो यहाँ पे बेसिकली वाइट जो है वो अपने सारे के सारे पीसेस डेवलप करता है एंड देन वो जो है f4 खेल के स्पेस लेने की ट्राई करेगा किंग साइड। यहाँ पर बिशप b4, सो थ्रेट है बिशप टेक्स एंड देन नाइट कैप्चर्स ऑन e4, सो नाइट टेक्स ऑन जस्ट c6, बी कैप्चर्स ऑन c6 और अब दोस्तों यहाँ पे नाइट a4 खेला गया। सो इन केस नाइट कैप्चर्स ऑन e4, आप जो है सिंपली क्वीन d4 खेल सकते हो, जहाँ पे नाइट एंड बिशप दोनों पे अटैक है। सो वहाँ पे पोन नहीं जा रहा है। नाइट a4, यहाँ पे ब्लैक ने कैसल किया और अब वाइट ने खेला c4 और स्टिल दोस्तों इस पोजिशन में नाइट कैप्चर्स ऑन e4 जो है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अब वाइट खेल सकता है क्वीन d4, नाइट पे अटैक है एंड से नाइट f6 बैक, बट देन c5 और ये बिशप जो है वो ट्रैप हो जाएगा और आप इसको से सेव करते हो विद क्वीन a5, बट देन इस पोजीशन में नाइट b6, रुक पे अटैक करेंगे हम, रुक b8 आते ही a3। सो ये देखिए बिशप जो है वो ट्रैप हो चुका है। सो c4 के बाद ब्लैक ने एक्चुअली जो है अब बिशप d6 खेला एंड नाउ f4 और यहाँ पे वाइट का आइडिया ये है कि वो पोन पुश करके सिंपली एक पीस विन करना चाहता है और इस तरह से उसने अपना जो है h2 पे अटैक था वो उसको भी सेव किया। बट अब ये दोस्तों क्लियर कट पोन ऑन e4 का जो है वो सेक्रीफाइस है। सो नाइट कैप्चर्स ऑन e4। दोस्तों कई लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि जब सेक्रीफाइस हम देते हैं तो उसको किस तरह से फाइंड किया जाए या उसके पीछे के लॉजिक्स क्या होते हैं। दोस्तों आज मैं आपको वन ऑफ द लॉजिक बताऊँगा, जहाँ पर क्या होता है कि देखिए अभी मेरे पास रुक लिफ्ट अवेलेबल है, सो मेरा रुक जो है वो ब्लैक के किंग पे अटैक कर सकता है, दूसरी ओर मेरा एक बिशप एंड दूसरा बिशप माइट बी d3 पे आके या तो फिर f3 पे आके आगे चल के दोनों जगह पे अटैक कर सकता है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूँ तो मेरे 1, 2, 3 एंड 4 पीस जो है वो मिलके ब्लैक के किंग की ओर अटैक के लिए जा सकते हैं, जबकि ब्लैक का वहाँ पर एक ही डिफेंडर होगा और वो है नाइट, जब वो नाइट f6 पे बैक जाए। सो डेफिनेटली वहाँ पे वाइट का अटैक जो है वो सक्सेस होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है और आइडियली ये लॉजिक जो है वो आपको काफ़ी काम आता है अगर आपको कुछ सेक्रीफाइस या फिर अटैक प्लान करना है। यहाँ पे बिशप d3 वाइट ने खेला, नाउ जस्ट नाइट f6, c5, सो बिशप पे अटैक है, बिशप e7 एंड नाउ बिशप d4। सो देखिए यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि वाइट के जो है वो ये 4 पीस अटैक कर रहे हैं, जबकि ब्लैक का एक ही डिफेंडर है। नाइट d5, ब्लैक ने अपनी नाइट को सेंट्रलाइज किया एंड नाउ नाइट b6। और दोस्तों ये मूव जो है वो काफ़ी डेंजरस है, इसको थोड़ा क्लोजली देखिए कि नाइट b6 का आइडिया क्या है। यहाँ पे अब ब्लैक ने जो है इतना इसको सीरियस नहीं लिया और उसने नाइट कैप्चर्स ऑन b6 खेल दिया। इन केस अगर आप नाइट कैप्चर्स ऑन b6 नहीं खेलते बल्कि से रुक b8 खेलते हो, जो कि उस पोजिशन की बेस्ट मूव है, फिर भी यहाँ पर वाइट की पोजीशन सिंपली अच्छी हो जाती है विथ नाइट कैप्चर्स ऑन जस्ट d5, ई कैप्चर्स ऑन d5 और उसके बाद क्वीन g4 और यहाँ पे वाइट को जो है काफ़ी पावरफुल अटैक मिल सकता है, क्योंकि g6 एंड देन हम जो है या तो क्वीन h3 या तो फिर डायरेक्टली f5 के लिए जा सकते हैं। बट एनीवेज गेम में क्या हुआ, नाइट b6 के बाद ब्लैक ने नाइट कैप्चर्स b6 खेल लिया और उसने ये सोचा था कि शायद यहाँ पे पोन कैप्चर्स ऑन b6 आएगा, जिस केस में वो जो है क्वीन b7 खेलेंगे एंड देन वो आगे जो है उनके 3 पोन सेंटर में उसको पुश करेंगे और उनके सेंटर की वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। बट दोस्तों यहाँ पे गेम ओवर है ऑलरेडी। सो वीडियो पॉज करके सोचिए कि आप किस तरह से इस पर्टिकुलर पोजिशन में विन निकाल सकते हो। रेडी, यहाँ पर वाइट ने किया एक बिशप का सेक्रीफाइस विथ बिशप कैप्चर्स ऑन h7, किंग कैप्चर्स ऑन h7। अगर आप कैप्चर नहीं करते हो किंग h8 जाते हो देन सिंपली क्वीन h5 और गेम ओवर हो जाएगी। सो किंग कैप्चर्स ऑन h7, क्वीन h5, किंग g8 और अब देखिए बिशप कैप्चर्स ऑन g7
और दोस्तों इस तरह से डबल बिशप का सेक्रीफाइस देना जो है वो मिडिल गेम में काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है, जो फेमसली जानी जाती है लास्कर डबल बिशप सेक्रीफाइस। और उसकी आइडियल कंडीशन ये होती है कि आपके पास रुक लिफ्ट रेडी होना चाहिए, ताकि आगे चल के आप क्या कर सकते हो, जी फाइल से क्वीन से चेक दोगे एंड एच फाइल पे रुक का चेक आएगा एंड देन गेम जो है उसमें चेकमेट हो जाएगी। सो उसी तरह से कुछ हुआ, क्योंकि यहाँ पे थ्रेट है मेरी अभी तो क्वीन टू सिंपली एच एट की। सो किंग कैप्चर्स ऑन जी सेवन एंड नाउ क्वीन जी फोर चेक देन किंग एच सेवन। इनकेस आप क्वीन जी फोर चेक के बाद किंग एफ सिक्स जाते हो, बट देन क्वीन जी फाइव जो है वो चेकमेट हो रही थी। सो किंग एच सेवन एंड रुक एफ थ्री, और यहाँ पे दोस्तों ब्लैक ने रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि अभी रुक एच थ्री के सामने चेकमेट सेव करने के लिए ब्लैक के पास कोई अच्छी मूव नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम और आज का वीडियो? आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।